पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के विद्यालय खुल चुके हैं और बच्चों को पठन पाठन की ओर आगे बढ़ाने के लिए काम भी किया जा रहा है। मुरादाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी का ये कहना है कि सभी विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील की है कि यदि आपका बच्चा स्कूल में जाता है तो कोविड-19 गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए बच्चों को स्कूल भेजने का काम करें। मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद की शिक्षा पटरियों पर लौट चुकी है। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी विद्यालय सरकार के आदेश के बाद खुल चुके हैं और बच्चे भी विद्यालयों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने के लिए सभी से अपील भी की जा रही है। मुरादाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी ने कहा कि काफी समय के बाद विद्यालय खुले हैं और जहां पर सुरक्षा के सभी इंतजाम को भी किया जा रहा है। सिटी चैनल से बात करते हुए प्रदीप कुमार द्विवेदी ने कहा कि सभी अभिभावक बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखें, स्कूल में भेजने से पहले कोविड-19 गाइडलाइन का पूरा पालन करने का प्रयास करें। शिक्षा विभाग हमेशा बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहा है। देखिए, इस समय कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाएं स्टार्ट हो गई हैं। इस समय हमारा अनुरोध होगा सभी अभिभावकों से भी कि वह इस समय कोरोना, निश्चित रूप से हमारा उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना पर विजय प्राप्त करने की स्थिति में है, कोरोना का जो प्रभाव है वह कम हुआ है, तो बच्चों को वह विद्यालय निश्चित रूप से भेजें। लेकिन बच्चों को यह अपनी तरफ से हिदायत भी दे दें कि बच्चा मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करे और विद्यालय में पढ़ने वाले अन्य बच्चों के साथ न तो वह हाथ मिलाए, न तो उनसे गले मिले, बल्कि थोड़ी डिस्टेंस बना करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए वो क्लास में रहे और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इसी तरह से विद्यालयों से हमारी अपेक्षा है कि विद्यालय कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है, जो दिशा निर्देश या जो शासनादेश इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है, उस शासनादेश का 100% अनुपालन सुनिश्चित करें। विद्यालय का प्रॉपर सैनिटाइजेशन, विद्यालय में अतिरिक्त मास्क की व्यवस्था भी विद्यालय प्रबंधन रखे कि अगर कोई बच्चा विद्यालय में विदाउट मास्क आ रहा है तो विद्यालय प्रबंधन उसको तत्काल मास्क भी प्रोवाइड कर दे, ताकि विद्यालय में पढ़ने वाला कोई बच्चा बिना मास्क के न रहे। और साथ ही साथ कक्षा में भी बच्चों की संख्या को नियंत्रित रखें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और बच्चे अपनी पढ़ाई भी अच्छे ढंग से कर सकें और उनको स्वास्थ्यगत किसी समस्या का सामना न करना पड़े। इस हेतु भी विद्यालय परिवार को ध्यान रखना पड़ेगा और अभिभावकों को भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन उसी के साथ साथ पढ़ाई, चूँकि बच्चे के भविष्य से जुड़ी हुई है, अगर हम उसमें किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करते हैं तो बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है वह प्रभावित होगा और हमारा बच्चा कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। तो इसलिए हमारा अनुरोध है विद्यालय प्रबंधन से कि वह कोविड-19 का पूर्णता अनुपालन सुनिश्चित कराएं, और अभिभावकों से भी अनुरोध है कि वह बच्चे को विद्यालय भेजें, लेकिन इस हिदायत के साथ भेजें कि वह कोविड प्रोटोकॉल का पालन बच्चा भी करे और विद्यालय भी करे, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए और बच्चे की पढ़ाई भी अनवरत जारी रह सके।